I knew him as a man. I knew his weakness and his strength. But if you ask me, will we ever see his like again? I would say no. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हिस्टोरिकल एडवेंचर शोज की जब बात आती है तो गेम ऑफ थ्रोन्स और वाइकिंग्स का नाम सबसे ऊपर आता है। आज तक बने वर्ल्ड के सबसे बेस्ट शोज की लिस्ट में वाइकिंग्स को गिना जाता है। जिस किसी ने भी इस सीरीज को देखा वो इसे कभी भूल नहीं पाया और इस तरह वाइकिंग्स का एक ह्यूज इंटरनेशनल फैन बेस बना है। तो आज वाइकिंग्स के डाई हार्ड फैंस के लिए एक स्पेशल वीडियो मैं लेकर आया हूं, जिसमें टॉप 10 वेब सीरीज लाइक वाइकिंग्स मैं आपको बताने वाला हूं। जॉनर, स्टोरी, एक्शन, कैरेक्टर्स जैसे फैक्टर्स के बेसिस पर वाइकिंग्स से मोस्ट सिमिलर और वाइकिंग्स की ही तरह मोस्ट अमेजिंग हिस्टोरिकल शोज इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। सिमिलर टू ग्रेट शोज वाली हमारी वीडियो सीरीज का ये थर्ड पार्ट है, तो इसके पिछले दोनों वीडियोज भी आप जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है द बास्टर्ड एग्जीक्यूशनर। ये एक अननोटिस्ड हिस्टोरिकल फिक्शन सीरीज है जिसे फर्स्ट सीजन के बाद ही कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन एक्सट्रीम एक्शन और वॉर दिखाने के लिए इसका एक सीजन भी काफी है। अर्ली 14th सेंचुरी में सेट ये सीरीज एक नाइट की स्टोरी हमें दिखाती है जो वॉर और वायलेंस से अब दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन वॉर उसे अपने आप से दूर होने नहीं देती। तो वो एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड उठाता है और रैग्नार के सन्स की ही तरह वेंजेंस की जर्नी पर निकल जाता है। दोस्तों इस सीरीज में आपको वाइकिंग्स वॉरियर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वाइकिंग्स जैसा एक्शन, वॉयलेंस और रिवेंज पार्ट जरूर देखने को मिलेगा। इस सीरीज का एक ही सीजन है और अनऑफिशियल सोर्सेज पर ही इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है ब्रिटेनिया। ये हिस्टोरिकल माइस्टिकल ड्रामा सीरीज फैंटेसी, एक्शन, मिस्ट्री का एक एपिक कॉम्बो है। अपने ग्रेट एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से ये सीरीज वाइकिंग्स से काफी ज्यादा सिमिलर नजर आती है। इसके कुछ कैरेक्टर्स भी वाइकिंग्स जैसा टच इस सीरीज को देते हैं। 43rd AD में सेट इस सीरीज में रोमन्स के ब्रिटेन इन्वेजन से रिलेटेड इवेंट्स दिखाए गए हैं। दोस्तों वाइकिंग्स तो नहीं, लेकिन एकदम वाइकिंग्स जैसे ही कुछ ट्राइब्स की रोमन आर्मी के साथ फाइट इस सीरीज में दिखाई गई है। तो रोमन्स और लोकल ट्राइब्स के बीच वाइकिंग स्टाइल वाली ये एक्शन पैक्ड वॉर वाइकिंग्स के फैंस को तो एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। इस सीरीज के 2 सीजन अब तक रिलीज हुए हैं जो सोनी लिव पर अवेलेबल हैं और अनऑफिशियल सोर्सेज पर भी ये इंग्लिश में अवेलेबल हैं। Are you sure you're ready, Rome? Ready for what you'll find? I'm ready. Then let's begin. नंबर 8 पर है नाइटफॉल। वाइकिंग्स की ही तरह ये भी हिस्ट्री चैनल की एक हिस्टोरिकल फिक्शन सीरीज है जिसमें यूनिक प्रेमिस के साथ वाइकिंग्स जैसे ही इनफ प्लॉट ट्विस्ट और ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। इस सीरीज का प्रोटैगोनिस्ट भी वाइकिंग्स के प्रोटैगोनिस्ट की तरह ऑलमोस्ट एक एंटी हीरो होता है। नाइट्स टेम्पलर, जो कि एक कैथोलिक मिलिट्री ऑर्डर था, इसी मिलिट्री ग्रुप के सक्सेस, फॉल और सप्रेशन की स्टोरी इस सीरीज में दिखाई गई है। वाइकिंग्स और इंग्लिश नाइट्स के बीच दिखाई गई ग्रेट वॉर और इस सीरीज का एक्शन वाइकिंग्स के फैंस को एंड तक बांधकर रखने का पोटेंशियल रखता है। इस सीरीज के 2 सीजन हैं जो नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल हैं और इसके हिंदी सबटाइटल्स भी नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएंगे। Where were you first prepared to lead the temple? In my heart. And where was that heart tested? In the field of battle. नंबर 7 पर है बारबेरियंस। यह हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा सीरीज एकदम वाइकिंग्स की ही तरह बारबेरियंस और रोमन्स के बीच एक ग्रेट वॉर हमें दिखाती है। इस शो के बारबेरियन कैरेक्टर्स, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी वॉर टेक्निक्स, सब कुछ एकदम वाइकिंग्स जैसा ही होता है। रोमन एम्पायर का जर्मेनिया ऑक्यूपेशन और इससे जर्मेनिक ट्राइब्स के बीच शुरू हुआ रेबेलियन इस सीरीज में दिखाया गया है। दोस्तों इस सीरीज का 1st सीजन अब तक रिलीज हुआ है और उसमें दिखाई गई फाइनल वॉर, इसकी प्लानिंग और इस वॉर से पहले के इंटेंस मोमेंट्स आपको वाइकिंग्स की याद जरूर दिलाएंगे। वाइकिंग्स के फैंस को इस शो की फाइनल बैटल तो एक बार जरूर देखनी चाहिए। 6 एपिसोड्स के साथ इसका 1st सीजन नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है नॉर्समैन। वाइकिंग्स और हिस्टोरिकल शोज का नाम सुनते ही वॉयलेंस, एक्शन और वॉर हमारे दिमाग में आती है, लेकिन ये अमेजिंग सीरीज इस इमेज को हमेशा के लिए चेंज कर देगी क्योंकि ये एक कॉमेडी सीरीज है। हिस्टोरिकल जॉनर में कॉमेडी सीरीज होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इस ग्रेट शो ने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया है। अराउंड 8th सेंचुरी में नॉहैम टाउन में रहने वाले वाइकिंग्स की स्टोरी इस सीरीज में दिखाई गई है। वाइकिंग्स से रिलेटेड ये हिस्टोरिकल सीरीज कॉमेडी को कैसे एक्सप्लोर करती है ये देखना आपके लिए एकदम यूनिक और अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। जो वाइकिंग फैंस वायलेंस और वॉर से ब्रेक चाहते हैं उनके लिए नॉर्समैन सबसे बेस्ट चॉइस है। 2016 से लेकर अब तक इस शो के 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं और नेटफ्लिक्स पर ये इंग्लिश में अवेलेबल हैं। Brother, why don't you just let me do it because I... No, it's just my hands are very cold and these arrows are a bit too slippery for my style of shooting. Right.
नंबर 5 पर है रोम। ये एक क्लासिक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है जिसे आज तक बने सबसे बेस्ट हिस्टोरिकल शोज में से एक माना जाता है। ये वाइकिंग्स से ज़्यादा सिमिलर तो नहीं है, लेकिन इसकी ग्रेट स्टोरी और एक्शन जैसे कुछ फैक्टर्स इसे वाइकिंग्स के काफ़ी करीब ले आते हैं। 1st century BC में सेट इस सीरीज में दो ऑर्डिनरी रोमन सोल्जर्स के नॉर्मल वॉरियर्स से लेकर हीरो बनने तक की जर्नी दिखाई गई है। हिस्टोरिकल फिक्शन जॉनर के फैंस के लिए ये एक मस्ट वॉच शो है। ये एक शॉर्ट सीरीज है जिसमें सिर्फ 2 सीजन है और ये अनऑफिशियल सोर्सेज पर इंग्लिश में अवेलेबल है। दोस्तों, रोम की ही तरह द ट्यूडर्स भी एक ग्रेट हिस्टोरिकल शो है जिसे वाइकिंग्स शो के राइटर और क्रिएटर माइकल हेस्ट ने लिखा है। ये शो भी वाइकिंग्स से काफ़ी सिमिलर है और वाइकिंग्स के फैंस को एक बार तो ये शो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आप रोमन इरा के अमेजिंग अरीना एक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं तो स्पार्टिकस आपके लिए एक मस्ट वॉच शो है। इसके जॉनर, एक्शन और वेंजेंस वाले फैक्टर्स की वजह से ये शो भी वाइकिंग्स से थोड़ा सिमिलर नज़र आता है। नंबर 4 पर है द बोर्जियास। ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन सीरीज है जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि थ्रोन और पावर के लिए ग्रेट फाइट इसमें दिखाई गई है। इंग्लिश किंगडम और वहाँ की पावर्स के लिए जो स्ट्रगल वाइकिंग सीरीज में दिखाई गई थी द बोर्जियास, उससे काफ़ी सिमिलर नज़र आती है। 15th century के इटली में सेट ये सीरीज बोर्जियास फैमिली को फॉलो करती है जो पावर में आने के लिए ब्राइबरी और मर्डर जैसे कई रास्ते अपनाते हैं। हिस्ट्री की मोस्ट इनफेमस क्राइम फैमिली का वेल्थ और पावर के लिए किया गया ये रेलेंटलेस क्वेस्ट आपको एक बार तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इस हिस्टोरिकल फिक्शन सीरीज के 3 सीजन हैं जो अनऑफिशियल सोर्सेज पर इंग्लिश में अवेलेबल हैं। नंबर 3 पर है मार्को पोलो। हिस्ट्री एंथुजियास्ट के लिए मार्को पोलो कोई अनफेमिलियर नेम नहीं है। ये ग्रेट एक्सप्लोरर, मर्चेंट और राइटर हिस्ट्री का एक बड़ा पार्ट कवर करता है। ये सीरीज इसी ग्रेट मर्चेंट के अर्ली ईयर्स के एडवेंचर्स को हमारे सामने रखती है। ग्रेट मंगोलियन एम्परर कुबलई खान के टाइम मार्को पोलो कैसे मंगोल एम्पायर की पावर स्ट्रगल और पॉलिटिक्स के बीच फंस जाता है, यही इस सीरीज में दिखाया गया है। दोस्तों, इस सीरीज का लीड कैरेक्टर भी वाइकिंग्स के रैगनार और बियॉन की तरह एक एक्सप्लोरर होता है और रैगनार की ही तरह अपनी एक्सप्लोरेशन जर्नी पर दूसरे किंगडम की वॉर और पॉलिटिक्स में वो फंस जाता है। इस सीरीज का एक्शन, स्टोरी, इसमें दिखाया गया एम्पायर और भी ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो वाइकिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन से इसे काफ़ी सिमिलर बनाते हैं। वाइकिंग्स के फैंस को रिच एशियन हिस्ट्री पर बेस्ड ये रेयर शो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। 2 सीजन्स के बाद इस शो को कैंसिल कर दिया गया था, तो टोटल 20 एपिसोड्स के साथ इस सीरीज में 2 ही सीजन आपको मिलेंगे और ये दोनों सीजन नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल हैं। I took the war. I executed my brother. I do what must be done for our empire. नंबर 2 पर है ब्लैक सेल्स। ये एक अमेजिंग हिस्टोरिकल एडवेंचर सीरीज है जो वाइकिंग्स के काफ़ी सारे कॉमन पॉइंट्स होल्ड करती है और वाइकिंग्स का पायरेट वर्जन भी इसे कहा जाता है। वाइकिंग्स की तरह इसमें भी रेडर्स प्लंडर के लिए सेल करते हैं और रेड के दौरान हैवॉक क्रिएट करते हैं। कैप्टन फ्लिंट और उसका पायरेट क्रू शिप्स को लूटते हैं और समुद्र में आतंक मचाकर रखते हैं। दोस्तों, वाइकिंग्स की ही तरह ब्लैक सेल्स में भी वायलेंस, गौर, प्लंडर और हाई वोल्टेज ड्रामा व्यूअर्स को ऑफर किया जाता है। पायरेट्स और सेलिंग पर बेस्ड वाइकिंग्स के बाद ये सबसे गॉर्जियस सीरीज है। धमाकेदार एक्शन और एडवेंचर वाली इस सीरीज के 4 सीजन हैं जो अनऑफिशियल सोर्सेज पर इंग्लिश में अवेलेबल हैं। नंबर 1 पर है द लास्ट किंगडम। यह हिस्टोरिकल फिक्शन सीरीज वाइकिंग्स की मोस्ट सिमिलर सीरीज है। इवन वाइकिंग्स का सेकंड वर्जन भी इसे कहा जाता है। वाइकिंग्स की ही तरह मिडिवल इंग्लिश किंगडम ऑफ वेसेक्स में इस सीरीज की स्टोरी सेट है और इसमें दिखाए गए बहुत से इवेंट्स वाइकिंग्स से ओवरलैप करते हैं। इवन ये सीरीज अपने ओन वर्जन के रैगनार और एल्फर्ड द ग्रेट को फीचर करती है। दोस्तों, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस सीरीज में स्टोरी को वाइकिंग्स की बजाय इंग्लिश किंगडम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। इंग्लिश सेंटर्ड अप्रोच के साथ स्टोरी प्रेजेंट की गई है। ग्रेट हीदन आर्मी के इंग्लैंड इन्वेजन के दौरान किंगडम ऑफ वेसेक्स एक अकेला स्ट्रॉन्ग किंगडम बचता है जो किंग एल्फर्ड की कमांड में वाइकिंग्स के अटैक का अपोज करता है। दोस्तों, वाइकिंग्स खत्म होने के बाद वाइकिंग्स लवर्स की सेकंड चॉइस द लास्ट किंगडम सीरीज ही होती है, क्योंकि हिस्टोरिकली एक्यूरेट कही जाने वाली इस सीरीज में सेकंड साइड ऑफ स्टोरी यानी इंग्लैंड के बारे में जानने को मिलता है जो वाइकिंग्स में उतना डिटेल में नहीं दिखाया गया था। तो वाइकिंग लवर्स को तो बिना देरी किए इस शो को देख लेना चाहिए। इस शो के अब तक 4 सीजन रिलीज हुए हैं जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं। इसका 1st and 2nd season सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है और इसका 3rd and 4th season हिंदी में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थी वाइकिंग्स जैसी 10 ग्रेट हिस्टोरिकल वेब सीरीज। वाइकिंग्स की ही तरह और भी ग्रेट शोज के सिमिलर वेब सीरीज वाले वीडियोस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सजेस्ट हो रहे हैं, इन्हें भी आप जरूर देखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर करके वाइकिंग्स लवर्स तक पहुंचाइए। मूवीज और वेब सीरीज की बेस्ट चॉइसेस के लिए द चॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।